जजपा की सीकर में रैली, इनेलो की कैथल में सम्मान रैली, दोनों ही रैलियों में हजारों की तादाद में लोग पहुंचे। मगर दीपेंद्र हुड्डा की माने तो दोनों ही दलों की रैलियां पिट गईं। अब दीपेंद्र किस आधार पर बोल रहे हैं ये तो दीपेंद्र हुड्डा ही बता सकते हैं। मगर दीपेंद्र ने ये जरूर बताया कि सीकर में जजपा की रैली पिटने की वजह क्या रही और इनेलो की रैली आखिर क्यों फ्लॉप रही। बीजेपी की और इनेलो की दो रैलियां कल क्यों पिटी, इनकी रैलियां पिटी, इन रैलियों के पिटने के दोनों के अलग अलग कारण हैं। इनेलो की तो इसलिए पिटी क्योंकि अभय सिंह ये फैसला ही नहीं कर पाए कि वो विपक्ष में है कि सत्ता के साथ है। 2014 में उनको मुख्य विपक्षी पार्टी का रोल दिया गया था लेकिन वो लगातार 5 साल खट्टर सरकार के खिलाफ नहीं बोले, उनके साथ मिलकर चले और केवल हुड्डा साहब को निशाने में लिया उन्होंने। वो 19 सीटों से एक सीट पे आ गए और एक सीट के आने के बाद तुरंत उन्होंने कहा कि हम हुड्डा साहब के नेतृत्व में हम समर्थन नहीं देंगे, हम बीजेपी के लिए तैयार हैं। वो तो पहले जेजेपी पहुंच गई, उनकी बात दब गई। उसके बाद मगर राज्यसभा के इलेक्शन में भी उन्होंने बीजेपी की वोट दी। कभी और मौका आता है राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति बीजेपी की वोट देते हैं। इस पार्टी ने हमेशा अपने इतिहास में कभी भी मौका मिला बीजेपी के साथ मिलकर सत्ता का सुख भोगने का, इसका इतिहास रहा पार्टी। और इसीलिए इनेलो की रैली पिटी। जेजेपी की क्यों पिटी उसका अलग कारण है। उन्होंने कहा था बीजेपी करो जमुना पार, लोगों को दे दिया फिर विश्वासघात और बीजेपी सरकार बना ली। लोगों को धोखा दे के वो हरियाणा छोड़ के पहुँच गए, हरियाणा से भाग के पहुँच गए राजस्थान। मगर राजस्थान उनको लगा कि राजस्थान के लोगों को ये पता नहीं, लेकिन राजस्थान के लोगों को इस बात की, हरियाणा की हर खबर राजस्थान में पहले पहुँच जाती है। राजस्थान के लोगों को उनका इतिहास पता है और केवल आज ही नहीं, बीजेपी के साथ मिलके इन्होंने पहले भी जहाँ भी रहे वहाँ इस पार्टी का इतिहास है। राजस्थान में भी इतिहास है। राजस्थान में जब ये कांग्रेस के खिलाफ एक फ्रंट बना पूरी अपने हुई तो नाथूराम मिर्धा जी जब जनता दल के, उनकी बजाय बीजेपी में भैरव सिंह शेखावत को जाके इन्होंने वहाँ पहले ये कर चुके हैं। तो इस तरह के जो है धोखे की खबर राजस्थान में पहुंच गई थी पहले, इसीलिए उनकी रैली इसलिए पिटी। वो ना राजस्थान के रहे ना हरियाणा के, और ये जो इनेलो है ना ये बीजेपी के ना ये कांग्रेस। कौन कहता है वो? देखो वो तो मैंने बता दिया उसको। राजस्थान के लोगों को पहले खबर पहुंच चुकी है कि ये विश्वासघात का पर्यायवाची बन चुकी है पार्टी। ये एक ऐसी पार्टी निकली जिसने विश्वासघात का कीर्तिमान स्थापित किया। पहले अपने वोटर के साथ विश्वासघात किया, कहा बीजेपी करो जमुना पार, बनाई बीजेपी की सरकार। फिर बड़े बुजुर्गों के साथ विश्वासघात किया, कहा 5100 की बुढ़ापा पेंशन, बाद में मुकर गए। फिर किसान आंदोलन में किसान के साथ विश्वासघात किया, बोला ये बिल तो वापस होने का कोई प्रावधान ही नहीं है, फिर भी प्रधानमंत्री जी ने वापस कर दिए। फिर खिलाड़ी आंदोलन में खिलाड़ियों के साथ विश्वासघात, बोला कि भाई इसको बिजभूषण को पता नहीं क्या क्या बोला। तो कहने का मतलब कोई ऐसा वर्ग नहीं जिसको इसने विश्वासघात जेजेपी ने ना दिया हो। एक कानपुर में, क्योंकि मेरी यूपी में ड्यूटी लगती है प्रियंका जी ने इस बार वहाँ, कानपुर में एक बहुत मशहूर दुकान है, लड्डू की दुकान है, मिठाई की दुकान है, उसका नाम है ठग्गू के लड्डू। उसके लाइन लिखी हुई है, ऐसा कोई सगा नहीं जिसको हमने ठगा नहीं। ये जेजेपी पार्टी उसकी फ्रेंचाइज लेके हरियाणा में आई थी। और इससे पहले मैं इन्होंने अपनी स्वयं की पार्टी के साथ और परिवार के साथ किया, उस बात पे मैं नहीं जाना चाहता, वो इनका अंदर का मामला है। दीपेंद्र हुड्डा की माने तो अभय चौटाला की रैली इसलिए पिटी क्योंकि अभय चौटाला ही नहीं कर पाए कि वो पक्ष में है या विपक्ष में। दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि इनेलो हमेशा बीजेपी के साथ मिलकर सत्ता का सुख भोगना चाहती है, इसलिए इनेलो की रैली पिट गई। जबकि जजपा की रैली फ्लॉप होने की वजह बीजेपी के साथ मिलकर हरियाणा में सरकार बनाना है। बता दें कि दीपेंद्र हुड्डा 8 अक्टूबर को जींद में होने वाले जन मिलन समारोह के लिए पदाधिकारियों की मीटिंग लेने पहुंचे थे।
इस दौरान उन्होंने कार्यकर्ताओं के साथ कार्यक्रम को लेकर रूपरेखा तैयार की और सरकार पर जमकर निशाना साधा। जींद से विजेंद्र बावा, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।